वीर स्ट्राइक लेंगे तीसरी गेंद खेलने के लिए जयदीप की। हल्के हाथों से खेला पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद जा रही छोटी सीमा रेखा की ओर, एक रन तेजी के साथ बटोरा। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है दो रन के ऊपर। YouTube लाइव ऑपरेटर है राशि रूसी गायकवाड़ और कैमरा ऑपरेटर रोशन कैनी। अपना काम करते हुए ऑनलाइन स्कोरर है रूसी गायकवाड़ और ऑफलाइन स्कोरर है दर्शन पटेल। इस बीच अगली गेंद जड़ में डालने का प्रयास, ऑन साइड के क्षेत्र में खेला है तेजी के साथ, एक रन बटोरा रखने का प्रयास कर रहे थे लेकिन जैसे खतरा महसूस किया अपने पैरों को पीछे किया, रन की गुंजाइश अंपायर को देखना होगा। डॉट गेंद जयदीप चले जड़ में डालने का प्रयास लगातार दोनों पैरों के बीच में से गेंद निकली, स्मरतबा भी डॉट गेंद लगातार बल्लेबाज के ऊपर दबाव डालते हुए आज के दिन का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। अक्षित लायंस और LIC वॉरियर्स के बीच में LIC वॉरियर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइट का इशारा यकीनन होगा और एक अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है तीन रन के ऊपर। ऑन साइड के क्षेत्र में हवा में गेंद है, डीप में फील्डर तैनात है, फील्डर गेंद के नीचे गलती नहीं कि विकेट का पतन हो तो पहले विकेट का पतन है। कुणाल के रूप पवेलियन जाते हुए हवा में गेंद खेल बैठे थे, स्लो गेंद थी। एक ओवर की समाप्ति के बाद तीन रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। जय ने बहुत ही अच्छे कैच लिया, नहीं बल्लेबाज के रूप में क्रिस बीच मैदान के ऊपर और गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। केरल कप्तान फील्ड की जमावट करते हुए जानते हैं जीतना जरूरी है, जो जीतेंगे मैच में बने रहेंगे, अगर हारे तो मुश्किल ही बढ़ सकती है। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद थी पर नहीं पाए, पहली गेंद बहुत ही अच्छी डाली, डॉट गेंद रही। केरल और अंपायर का इशारा वाइट बाई का रन नहीं है, ओके एक ही रन स्कोर जा पहुंचा है, माफ करना दो रन, थोड़ा इशारा करेंगे मेहरबानी होगी, पता नहीं चल रहा है क्योंकि सामने है तो दिखता नहीं है। दो रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है पांच रन के ऊपर। वेस्ट हाइट का नॉबल दिया है, फ्री हिट मिलेगी, स्कोर जा पहुंचा है छह रन।
ऑन साइड के क्षेत्र में हवा में गेंद है, काफी देर तक हवा में पीछे फील्डर गेंद के नीचे दोनों हाथों को फैलाया, कैच ड्रॉप हुआ और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं। और पिछली मैच में हमने देखा कैच छोड़ी मैच हारे, जब तक आप कैच छोड़ते रहोगे बल्लेबाज पिटाई करते रहेंगे। यहाँ पर दो तीन रन के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ है, एक रन के ऊपर माफ करना, कितना महंगा बाद में पता चलेगा। और यू आसिफ खेला है, गेंद गई सीमा रेखा का और तो ऐसी पिटाई होगी, रिवर्सिप भी लगेगा। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच है को अपने कोठे में 13 रन देकर 5 सफलता अर्जित करने वाले और बल्लेबाजी करते हुए 7 रन बनाने वाले रौनक को इनवाइट करूंगा मंच के पास और पहले मैच के मैन ऑफ द मैच देंगे हीरल भाई, हीरल भाई को दे दो मैन ऑफ द मैच देंगे। और कैच छोड़ोगे तो वैसी पिटाई होगी, कैच छोड़ने के बाद कुल मिलाकर 12 रन बने, 2 रन कैच छोड़ने के बाद 12 रन बनाए, 1-2 रन लिया, चौका बटोरा, यहां पर छक्का, कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा है 18 रन के ऊपर। उड़ाया कवर मिड ऑफ के ऊपर से, इस मरतबा गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। जीवन दान देते हैं बल्लेबाज को तो आपको जीने नहीं देंगे। और छक्के चौकों की बारिश होगी और पिटाई करते हुए बल्लेबाज वीरू, अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति ही, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 22 रन, माफ करना 22 रन, 11 रन प्रति ओवर चलते हुए 19 रन आए इस ओवर से, महंगा ओवर। जयदीप अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे, पारी का तीसरा ओवर। जयदीप कोड़े का दूसरा ओवर डालेंगे, 2 ओवर पावर प्ले समाप्त हुआ। ऑन साइड के क्षेत्र में 3 फील्डर बाउंड लाइन के ऊपर और ऑफ साइड के क्षेत्र में एक फील्डर है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, कुल मिलाकर 4 फील्डर बाउंड लाइन के ऊपर है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, व्हाइट का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23 रन के ऊपर। अच्छी गेंद, अपील बहुत ही लंबी हो रही है, आउट करार दिया। तेईस रन बने, तीसरा ओवर जारी है, 2 सफलता अर्जित कर चुके हैं जयदीप, नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर। हर्ष जयदीप फील की जमावट करते हुए स्वीपर कवर बाउटलाइन के ऊपर खड़ा किया है, हल्के हाथों से खेला, रन की चेष्टा जैसे ही फील्डर के हाथों में गेंद को देखा अपने पैरों को पीछे किया, रन की जो गुंजाइश थी उसको खत्म किया। डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे जयदीप, पहले ओवर में 3 रन दिए थे, अभी तक इस ओवर में 2 रन देकर 1 सफलता अर्जित कर चुके हैं,
एक रन, माफ करना, हवा में गेंद है, एक मौका दिया है बल्लेबाज ने और कैच ड्रॉप हुआ वापस से, एक रन बटोरा। अब जाके स्ट्राइक मिली है वीरू को। हर्ष को एक जीवन दान मिला है, एक जीरो के ऊपर, कोई रन नहीं बनाया था, जीरो रन के ऊपर कैच ड्रॉप हुआ, कितना महंगा पड़ेगा, उनकी पारी समाप्त होगी तब पता चलेगा। और क्रिस का वीरू का कैच ड्रॉप हुआ था एक रन के ऊपर। हल्के हाथों से खेला, डीप में स्वीपर कवर बाउंड लाइन के ऊपर है, तेजी के साथ एक रन बटोरा, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25 रन के ऊपर। गलती कर चुके थे हर्ष, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। छोटी सीमा रेखा की ओर एक रन मिलेगा, इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी है, इस बीच अगली गेंद, हल्के हाथों से खेला, सिंगल का प्रयास कर रहा है, एफडी पॉइंट के फील्डर तैनात है, थ्रो करते जहां तक गेंद को फील करके पहुंच चुके थे। ओवर की समाप्ति हुई, तीन ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 27 रन, 9 रन प्रति ओवर चलती हुई, दो विकेट का नुकसान के ऊपर। जहां तक देखा जाए तो ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला चलता हुआ, अक्षित लायन के सामने एलआईसी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। दोनों टीमें कल दो दो मैच हार चुकी है, यहां से किसी एक को जीतना बहुत ही जरूरी, और कोई एक तो जीतेगा ही जीतेगा। पहला मुकाबला हुआ था सिवांश राइसर्स और प्राची प्रिंटर्स के सामने, लो स्कोर था, लेकिन आखिर सातवें ओवर तक मैच कर लेकर गए थे और मिस्टर फिनिशर कुणाल ने मैच को जिताया, लेकिन मैन ऑफ द मैच रहे रौनक, 5 विकेट अर्जित की थी। अगली गेंद, कप्तान आए हैं, हल्के हाथों से खेला, रन की चेष्टा, जिसे खतरा महसूस किया अपने साथी बल्लेबाज को वापस भेजा वीरू ने। पैड लाइन के ऊपर गेंदबाजी का प्रयास, छोटी सीमा रेखा, एक रन मिलेगा, इसे एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों के ऊपर। पहली गेंद दौड़ डाली, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल बटोरा, अब जाके स्ट्राइक मिली है हर्ष को। केयूर अच्छे गेंदबाज है, कप्तान है, वाइड रेखा के ऊपर गेंदबाजी के प्रयास, लेकिन बहुत ही वाइड बाहर गेंद डाल बैठे, अंपायर ने दोनों बाहें फैलाकर वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन के ऊपर। अच्छी गेंद इस मरतबा, वापस वाइड का इशारा, स्कोर जा पहुंचा है 30 रन के ऊपर। लगातार दो गेंदें वाइड डाली है, वाइड रेखा के ऊपर गेंदबाजी का प्रयास, क्योंकि वहां से घसीटना मिड विकेट के ऊपर इतना आसान नहीं। पॉइंट के बगल से गेंद को खेला, गेंद गई छोटी सीमा रेखा, एक रन।
अगली गेंद कुणाल की, डॉट गेंद निकाली इस मरतबा, स्कोर रुका हुआ 31 रन, चौथा ओवर जारी है, 31 रन बन चुके हैं। दूसरा मुकाबला आज के दिन का, हल्के हाथों से कट करने का प्रयास, अपील कर रहे थे, पिछली मरतबा कामयाब हुए, इस मरतबा अंपायर चुस्त और मुस्तैद, कोई गलती नहीं की, नॉट आउट करार दिया, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। व्हाइट का इशारा, स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, हल्के हाथों से खेला, शॉर्टेस्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर फील्डर तैनात। ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 8 की रन रेट के साथ रन बनते हुए 32 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, अप्पी को मैं इनवाइट करूंगा कमेंट्री बॉक्स में। अप्पी गेंदबाजी में परिवर्तन मोर्चे पे लगाए गए हैं, 5वें ओवर के रूप में अपी कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करेंगे और भूपिन गेंदबाजी करेंगे, कोटे का 5वां ओवर, आगे का हाल सुनाने के लिए साथी और सही कमेंटेटर अपी। थैंक यू सरवरस भाई, अब यह है चगा भूपिन, देखते हैं वो क्या करते हैं। कल तो उन्होंने बहुत लंबे लंबे छक्के खाए थे अंकित मिहिर चैलेंजर्स की कप्तान से, देखते हैं अभी क्या करता है सामने है गठिया। कुमाडिया डिक्लेरेशन एरिया में देख रहे हैं अंपायर का इशारा, 1 रन। हर्ष जो कि उनको एक जीवन दान मिल चुका है तरंग के रूप में, तरंग ने कैच छोड़ दिया था। बुबिन चले अपनी रनिंग मार्क पे, सामने है वीरू। गुमाडिया लेग साइड की ओर फिर से तरंग के रूप में, सिर्फ 1 ही रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35। 5वें ओवर का खेल अभी भी जारी, चका अपनी अगली गेंद के साथ फुल टॉस गेंद, एम्पायर के इशारा नो बॉल। हर्ष कुछ फायदा नहीं उठा पाए फुल टॉस का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। अगली गेंद फ्री हिट होगी, देखते हैं वीरू क्या कर पाते हैं। चका वीरू ने घुमा दिया लेग साइड की ओर, हवा में गेंद और लंबा छक्का वीरू के बैट से निकलने वाला, वीरू से निकलने वाला दूसरा छक्का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43। 5वें ओवर का खेल जारी अभी भी, कप्तान नाखुश होते हुए भूपिन पे, और ये क्या वीरू ने छक्के मारा और पैसा भी कमा रहे हैं। भूपिन अपनी अगली गेंद के साथ रनिंग मार्क पे, चलिए अगली गेंद वीरू को, वीरू ने फिर से घुमा दिया लेग साइड की ओर, और ये तरंग का बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, और वीरू आउट होते हुए, तरंग की शानदार कैच। इस टूर्नामेंट में बेस्ट कैच थे तरंग के रूप में। अक्षित लाइन को लगने वाला तीसरा झटका 43 रन पर वीरू के रूप में। अभी आया है ब्रिज जो कि उन्होंने पहली मैच बहुत शानदार रूप से अपने खेमे की ओर मोड़ दी थी, लेकिन वो जीत पे कायम नहीं रह पाए। देखते हैं इसमें क्या करते हैं इस मैच में। 3 गेंदों में 3 छक्के मारे थे
बुपिन अपनी अगली गेंद के साथ सामने है ब्रिज, हवा में गेंद लेकिन कोई भी फील्डर नहीं मेरे ख्याल से, और एक कप्तान ने प्रयास किया लेकिन हाथों से निकल गई यहाँ पे। उसी के साथ आगे बढ़ता स्कोर 44, पांचवीं ओवर का खेल जारी अभी भी। कप्तान ने प्रयास जरूर किया था। अभी आया है हर्ष, भूपिन के सामने हर्ष, दोनों फकीरा फरिया के खिलाड़ी। हर्ष ने घुमा दिया फिर से डिक्लेरेशन एरिया में, एम्पायर की इशारा दो रन। पांचवीं ओवर का खेल खत्म और उसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46, पांच ओवर की समाप्ति पे 46 लॉस ऑफ 3 विकेट। छठी ओवर का भार संभालेंगे कप्तान क्या, जो कि अच्छे बॉलर हैं यहाँ के, उनको भी कल बहुत मार पड़ी थी, अंकित ने बहुत खूब पिटाई की थी उन दोनों खिलाड़ी की चका और केयूर की। देखते हैं अपनी पहली मैच कैसे खेलते हैं आज केयूर। अपनी पहली गेंद सामने है हर्ष, हर्ष ने घुमा दिया सीधा शॉट हमारे कॉमेंट्री बॉक्स की ओर सिर्फ एक रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ा हुआ 47 रन, हर्ष जो कि बहुत अच्छे छक्के मारते हैं। केवा अपनी अगली गेंद के साथ सामने है ब्रिज, ब्रिज घुमाना चाहते थे लेकिन एम्पायर के इशारा वाइट। उसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। दोनों टीम दोनों मैच हार चुकी है, इस मैच में करो या मरो की परिस्थिति है दोनों टीमों के लिए। ब्रिज ने घुमा दिया लेग साइड की ओर, तरंग फिर से आते हुए, और तरंग ने कोई गलती नहीं की यहाँ पे, ब्रिज का बटन होता हुआ यहाँ पे। 48 पे लगने वाला चौथा झटका अक्षित लायन को ब्रिज के रूप में। छठा ओवर का खेल जारी अभी भी दो ओवर बाकी है और क्या अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे अपनी टीम के लिए। हर्ष ने घुमा दिया यहाँ पे लंबा छक्का किया को कप्तान को, फोर छलांग मारता हुआ 50 के पार यहाँ पे। तरंग ने कैच छोड़ा था, गतिया भरपूर फायदा उठा रहे हैं यहाँ पे। केयर अपनी रनिंग मार्क पे सामने है हर्ष, फिर से घुमा दिया हवा में गेंद, देखने क्या होगा, नीचे आते हुए चका, और ये चका ने कोई गलती नहीं की यहाँ पे, और ये और यहाँ पे आए हैं जीबी के मेंबर पीयूष पटेल, जो कि उनके एक छक्के पे 500 रुपए का इनाम है नीरव पटेल की ओर से। जितने छक्के उनके 500, एक छक्के पे 500, दो छक्के पे 1000 रुपया यहाँ पे चका के लिए। देखते हैं क्या करते हैं, अभी भी केयूर की एक गेंद बाकी है, दो गेंद बाकी है। और स्ट्राइक पे है चेतन पीयूष, नॉन स्ट्राइक पे है। अभी भी दो ओवर का खेल बाकी है, उसके बाद भी 14 गेंद का खेल बाकी है। आज का दूसरा मैच, पहले मैच में शिवान स्ट्राइजर्स वर्सेस प्राची पेंटर्स का था, जिसमें शिवान स्ट्राइजर्स ने मैच जीत लिए यहाँ पे, और एम्पायर का इशारा वाइट। स्कोर आगे बढ़ा 55, लॉस्ट ऑफ 5 विकेट। केयर अपनी अगली गेंद के साथ चेतन पटेल घुमाना चाह रहे थे लेकिन बैट और बल्ले का कोई संगम नहीं यहाँ पे। स्कोर रुका हुआ 55, छठा ओवर का खेल जारी अभी भी।
केवर सामने है कप्तान, दोनों कप्तान केवर अपनी रनिंग मार्क पे सामने है। चेतन पटेल घुमा दिया एक रन की ओर और यहां पे पावर ने मिस फील्डिंग कर दी। छठा ओवर का खेल खत्म, स्कोर रुका हुआ 56। देखते हैं कप्तान अपनी टीम को कहां तक पहुंचा पाते हैं। अच्छे खासे लड़ने के लिए स्कोर लगाना होगा उन दोनों, इन टीम को अगर जीतना है तो ये मैच, और LIC वॉरियर्स को जीतना है तो उनको कम से कम स्कोर में आउट करना होगा। 56, छठा ओवर का खेल खत्म। सातवां ओवर का बाल संकाले की चगा, सामने है चेतन पटेल, हल्के हाथों से प्लेस कर दिया एक रन के लिए। कप्तान अग्रेसिव दिखते हुए यहां पे, अभी आए है पीयूष, दोनों चका 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 दोनों चका, देखते कौन सा चका बाहर जाता है। अभी घुमा दिया और ये एक रन डिक्लेरेशन एरिया में, स्कोर आगे बढ़ा 58 रन। सात ओवर का खेल जारी अभी भी, चेतन ने ऑफसाइड की ओर घुमा दिया ड्रूविल के रूप में एक रन। चका अपनी अगली गेंद के साथ चका ने घुमा दिया लेग साइड की ओर, तरंग के हाथों में सिर्फ एक ही रन। चका अपनी अगली गेंद के साथ सामने है चेतन, फिर से घुमाना चाह रहे थे लेकिन एक ही रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61। सात ओवर का खेल जारी अभी भी, एक ओवर का खेल बाकी है। चका अपनी अगली गेंद के साथ फिर से घुमाना चाह रहे थे चका, लेकिन ब्लॉक होल में बिंदी गेंद आखिरी गेंद थी। सात ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 61, अभी भी एक ओवर का खेल बाकी है। देखते हैं कप्तान किसे बार संभालेंगे आखिरी ओवर का। दोनों भारी भरकम खिलाड़ी है, आठवीं ओवर का भार किसे देंगे कप्तान, चर्चा विचारते करते हुए यहाँ पे मेरे ख्याल से केविन को देंगे। आठवां ओवर का बार संभालेंगे केरल, चका थोड़ी जल्दबाजी कीजिए आज सात मुकाबले हैं इसीलिए। केरल काऊ आठवीं ओवर डालेंगे काउ, तीन नंबर की टी शर्ट पहनी है उन्होंने। सामने है खूब बहुत अनुभवी बैट्समैन चेतन पोया, देखते हैं क्या करते हैं पोया भाई। थोड़ी जल्दबाजी कीजिए कप्तान प्लीज, सात मुकाबले है आज। काउ अपनी पहली गेंद के साथ सामने चेतन पटेल, देखते क्या करते हैं चेतन, घुमा दिया हवा में गेंद,
लेकिन ओ एक मिस फीलिंग कट हुए यहाँ पे चका चका ने बहुत लच्छा मारते हुए यहाँ पे चका। आज मेरे ख्याल से उनकी टीम बहुत लच्छा मारते हुए यहाँ पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62। अभी आए है पीयूष जीबी के मेंबर है नवसारी के दूसरी गेंद काऊ की फिर से घुमा दिया उन्होंने और ये हवा में गेंद फिर से चकाते हुए नीचे देखते हैं क्या होते हैं। इस बार चका ने कोई गलती नहीं की और पे अक्षित लाइन को लगने वाला है पांचवा झटका और यहाँ पे चका ने 500 रुपये भी गवा दिए अपने एक छक्के पे 500 रुपये थे उनका इनाम। अभी आए हैं बालाजी के मेंबर कमल वो भी अच्छे खासे बैट्समैन है और यहाँ पे कमल को भी कमल के रूप कमल के ऊपर भी यहाँ पे इनाम है पंखिल के रूप में एक छक्के पे 500 रुपया। काऊ अपने तीसरी गेंद के साथ सामने चेतन पटेल फिर से घुमाना चाह रहे थे चेतन पटेल लेकिन बिंदी गेंद चेतन पटेल कप्तान खराब प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे बैटिंग में। काऊ अपनी अगली गेंद के साथ चेतन ने घुमा दिया फिर से हवा में गेंद नीचे आते हुए केयूर देखते हैं क्या करते हैं। केयूर ने कोई भी गलती नहीं की यहाँ पे और एक रन पोया आउट होते हुए यहाँ पे प्राची पर अक्षित लाइन को लगने वाला छठा झटका पोया के रूप में। आठवीं ओवर का खेल जारी स्कोर रुका हुआ 62 लॉस ऑफ 6 विकेट और एक क्या हमारे नन्हे मुन्ने खिलाड़ी पकी बहुत खुश होते हुए वो आज का पहला मैच हार गए है। अभी आए हैं वलसाड़ के खिलाड़ी राहुल काउ अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे एसपीएल में। काउ अपनी अगली गेंद के साथ सामने है कमल कमल ने भी घुमा दिया लेकिन नीचे आते हुए निमेश देखते हैं क्या करते हैं। निमेश ने लच्छा मारते हुए और ये आउट होने का खतरा आउट कैच तो जरूर छोड़ दिया लेकिन रन आउट कर दी यहाँ पे कमल की पारी खत्म। LIC वॉरियर्स की अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए काउ अपनी आखिरी गेंद के साथ सामने है पीयूष पीयूष ने घुमा दिया लेग साइड की ओर और ये छक्का आखिरी गेंद पे छक्का मारते हुए पीयूष और अक्षित लाइन की पहले यहाँ पे स्कोर रुका हुआ 69 और LIC वॉरियर्स को जीतने के लिए अभी 70 रन बनाने होंगे 8 ओवर में। अगली कमेंट्री के लिए हम सरफराज भाई को इनवाइट करते हैं। शुक्रिया आपी आपकी ओर से बहुत ही अच्छी कमेंट्री सुनने को मिली जीत के लिए 70 रन बनाने होंगे। LIC वॉरियर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। कल दोनों टीमें ने दोनों दोनों मैच हार चुकी है तो एक यहां पर मौका है किसी एक टीम को वापसी करने का। ये सोनवाड़े प्रीमियर लीग का आज के दिन का दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला। कल 6 मैचेस खेले गए थे। फील्ड की जमावट जल्द से जल्द कर ले और बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान के ऊपर पहुंच जाए क्योंकि 7 मैचेस है आज। इस मैच के बाद 8 ओवर के बाद प्रतिम को बुलाएंगे कमेंट्री बॉक्स में अगली मैच के लिए। आप अभी थोड़ा सा रेस्ट ले ले।
बहुत ही रोमांचक मुकाबला अब हमें देखने को मिला पहला, ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। टॉस के लिए, अगली मैच के टॉस के लिए दोनों अंकित मिहिर चैलेंजर्स और कृष्णा रॉकर्स कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करेंगे अपना प्लेइंग 11 के लिए। अंकित मिहिर चैलेंजर्स के कप्तान अंकित जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करेंगे। लीडिंग रन स्कोरर है टूर्नामेंट के। अंकित दूसरे नंबर पर अभी चल रहे हैं क्योंकि 15 रन कुणाल ने बनाए हैं, 86 रन के ऊपर पहले नंबर पर कुणाल चल रहे हैं। बल्लेबाज को जल्द से जल्द विनती करता हूं मैदान के ऊपर पहुंचे क्योंकि बहुत सारी मैचेस खेलनी बाकी है, तो जल्द से जल्द मैदान के ऊपर पहुंच जाए। कमेंट्री बॉक्स के सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, विनती करता हूँ क्योंकि मैच चल रही है। जल्द से जल्द LIC वॉरियर्स अपने दोनों प्रारंभिक जोड़ी को मैदान के ऊपर पहुंचाए। 7 मैचेस है, आप ये दूसरा मैचेस चल रहा है दोनों प्रारंभिक जोड़ी के रूप में। LIC वॉरियर्स की ओर से दोनों प्रारंभिक जोड़ी के रूप में बीच मैदान के ऊपर भूपिन और उनका साथ है जयदीप। जयदीप स्ट्राइक लेंगे और भूपिन नॉन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। जब गेंदबाजी की शुरुआत हुई थी तब गेंदबाजी के प्रारंभिक गेंदबाजी के रूप में जयदीप आए थे और बल्लेबाजी के ऊपर भी जयदीप पहुंचे हैं। जैनिल पहले ओवर की पहली गेंद डालेंगे, कल छोटे कद के गेंदबाज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी दिखाई थी। पंद्रह साल का जैनिल गेंदबाजी के ऊपर, सामने उनके डबल उम्र वाले जयदीप। फील्ड की जमावट बहुत ही अच्छी खूबसूरत खड़ी कर दी है कप्तान ने। ऑन साइड के क्षेत्र में दो फील्डर बाउंडलाइन के ऊपर है, एक डीप स्क्वेयर लेग और डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन माफ करना। जैनिल चले सामने, जयदीप पहली गेंद रक्षात्मक अंदाज से खेला, रन की चेष्टा, मिड ऑफ के फील्डर ने जाके गेंद को फील किया मिड ऑन की पोजीशन पर जाकर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पहली गेंद दौड़ डाली है। जीत का लक्ष्य निर्धारित 8 ओवर में 70-70 का। अगली गेंद हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, बहुत ही अच्छा टप्पा, बहुत ही सटीक लाइन के ऊपर करते हुए, जानते हैं ये डिफेंड कर सकते हैं, इतना आसान नहीं इस मैदान के ऊपर। टॉस हुआ तीसरी मैच का और अंकित मिहिर चैलेंजर्स ने टॉस को जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करते, तीसरी गेंद हल्के हाथों से खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं, लगातार 3 गेंदें डॉट डाली है। यहां से बहुत ही अच्छी अभी तक सटीक लाइन के ऊपर गेंदबाजी, कोई अतिरिक्त गेंद नहीं डाली है, लगातार 3 गेंदें दौड़ डाली है। 70 का लक्ष्य, जयदीप के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ, जड़ में डालने का प्रयास और अंपायर के पैर में लगी, जानबूझकर नहीं लगी थी, ये दौड़ गन मानी जाएंगी। बल्लेबाज की गलती है कि अंपायर को मार बैठे, अंपायर की कोई गलती नहीं। 4 गेंदें लगातार दौड़ डाली है, 2 गेंदें अभी भी बाकी है, अभी तक खाता नहीं खोला, 70 का लक्ष्य है, छोटी सीमा रेखा, 2 रन मिलेगा। 5वीं गेंद के ऊपर 2 रन बने हैं। हैनिल की, जैनिल की अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, छोटे कद गेंदबाज है, 15 साल के हैं, लेकिन सामने बल्लेबाज 30 से ऊपर के साल के, उनके डबल उम्र वाले बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अभी तक बांध के रखा है डीप स्क्वेयर लेग, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्रीलाइन के ऊपर, सिली मिड अप सर हम सामने खड़े हैं, सिंगल रोकने के प्रयास में कैचिंग पोजिशन के ऊपर। एक खूबसूरत ओवर की समाप्ति हुई,
एक बहुत ही अच्छी ओवर, सटीक लाइन के ऊपर गेंदबाजी की, सिर्फ 2 ही रन दिए और कोई सफलता यकीन नहीं मिली, लेकिन एक अपना जो काम के लिए कप्तान ने बुलाया था, दौड़ गेंदें डालनी है, बल्लेबाज के ऊपर जो प्रेशर डालना था वो प्रेशर डालने में कामयाब हुए। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन। अगली ओवर का बार संभालेंगे गेंदबाज राहुल, हल्के हाथों से खेला, रक्षात्मक अंदाज से गेंद को फील किया, कोई रन के नुकसान नहीं। बहुत ही अच्छी गेंद राहुल की, पहली गेंद, दूसरी गेंद, हल्के हाथों से खेला, कवर के ऊपर फील्डर तैनात है, रन की चेष्टा जरूर कर रहे थे जयदीप, लेकिन साथ ही बल्लेबाज, स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना किया। भूपिन लगातार 2 गेंदें डॉट खेली है, जयदीप ने 6 गेंदों में 2 रन बनाए हैं, नॉन स्ट्राइक के ऊपर है भूपिन, 2 गेंदे लगातार डॉट, प्रेशर बढ़ता हुआ, बल्लेबाज के ऊपर पावर प्ले चलता हुआ, पैड लाइन के ऊपर गेंद उसके सर के ऊपर से खेला, लेकिन मिड ऑन सर्कल के अंदर था, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लगातार 3 गेंदे डॉट, पहली ओवर में 4 गेंदे डॉट डाली थी, 5वें ओवर के ऊपर रन बना था, यहां पर लगातार 3 गेंदे डॉट, दबाव बल्लेबाज के ऊपर, दोनों टीमें 2-2 मैच हार चुकी है, इस मरतबा लगातार 4 गेंदें दौड़ डाली है, इतना आसान नहीं है, गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रहती है, विकेट का प्रयास कर रहे हैं, दबाव बल्लेबाज के ऊपर बांध के रखा है, अभी तक रूम देने का मौका नहीं दिया। 5वीं गेंद के ऊपर कवर के ऊपर से गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए, दबाव हटाने में कामयाब हुए भूपिन, अपना खाता खोलते हुए 4 रनों के साथ। पांच गेंदे हुई है और स्कोर जा पहुंचा है 6 रन के ऊपर, दूसरा ओवर, आखिरी गेंद, 6 रन बने हैं, हड़े बल्ले से ऑन सर के क्षेत्र में धकेला गेंद का एक टप्पा बाउंड लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए, स्कोर जा पहुंचा है 10 रन के ऊपर, सॉरी हाँ 10 रन के ऊपर, 2 चौका और 2 रन, कुल मिलाकर इस ओवर में 8 रन बने, 2 चौके आए, पावर प्ले समाप्त हुआ, 10 रन, 6 ओवर में 60 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट 10 की है, अब 9 के अंदर की रिक्वायर्ड रन रेट थी, अब जाके 10 के 10 तक पहुंच चुकी है, परफेक्ट 10 चाहिए ओवर में। जैनिल अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का तीसरा ओवर डालेंगे, पावर प्ले समाप्त हुआ है तो फील्ड फैला दी जाएगी, कप्तान फील्डिंग की सजावट करते हुए, सिली मिड ऑफ के ऊपर अभी भी एक फील्डर है कैचिंग पोजिशन के ऊपर, सिंगल रोकने का प्रयास, शॉर्ट स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर, डीप लॉन्ग अप बाउंड लाइन के ऊपर, डीप लॉन्ग अप बाउंड लाइन के ऊपर, और उनके ठीक बगल में डीप स्वीपर कवर बाउंड लाइन के ऊपर, शॉर्ट स्क्वायर पॉइंट सर्कल के अंदर, स्क्वायर लेग शॉर्ट स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर, और शॉर्ट मिड विकेट कैचिंग पोजिशन के ऊपर सर्कल के अंदर है। जैनल की पहली गेंद, सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज जयदीप, 6 गेंदों में 2 रन के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए, आड़े बल्ले से खेला, कवर के स्थान के ऊपर अच्छी फील्डिंग, रन की गुंजाइश को खत्म किया। जैनल बहुत ही सटीक लाइन के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक कोई एक्स्ट्रा के रूप में, जहां तक मैं देखता हूं बहुत सारे गेंदबाज व्हाइट रेखा के ऊपर गेंदबाजी के प्रयास में व्हाइट डालते हैं, लेकिन जैनल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, लाइन बहुत ही अच्छी, ऑन साइड के क्षेत्र में, फील्डर गेंद के नीचे है, गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए,
चिकन ऑन साइड के क्षेत्र में बीट गया गेंद गई सीमा रेखा पास 6 रनों के लिए इस मरतबा जेल रन के ऊपर और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 के ऊपर। जैनल चले सामने जयदीप 2 छक्के लगाकर 14 ऊपर खेल रहे हैं। कवर के ऊपर गेंद को खेला स्वीपर कवर डीप में मौजूद है तेज इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23 के ऊपर। साइड चेंज की है राइट आर्म राउंड ही डालेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भूपिन को 8 रन के ऊपर खेल रहे 6 गेंदों में 2 चौके लगाए हैं उन्होंने पिछली ओवर में और 10 गेंदों में 15 के ऊपर खेल रहे जयदीप नॉन स्ट्राइक के ऊपर है। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था बीट हुए एक रन पीछे लग गया था बाई के रूप में लिख भैया बाई 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 के रूप में 1 रन स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। ऑन साइड के क्षेत्र में कैच के लिए जाना चाहिए था अच्छे बल्लेबाज है पारंपरिक बल्लेबाज है उनका कैच के लिए जाना चाहिए था। आगे डाई लगाकर कैच बनाना पड़ता है अगर मैच को जीतना है क्योंकि आप दोनों मैचेस हार चुके हैं। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई 25 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में 15 रन आए और पहले ओवर में 2 रन कुल मिलाकर अपना कोटा समाप्त किया 17 रन दिए लेकिन विकेट नहीं मिली हल्का सा महंगा साबित होता हुआ कोटे का चौथा ओवर लेकर राहुल अपने कोटे का दूसरा पारी का चौथा डॉट गेंद 25 रन बने हैं अभी भी 5 ओवर में 45 रन चाहिए। अरे बल्ले से का सीधा है आधा अधूरा हेलीकॉप्टर का प्रयास किया था फील्डर तैनात है तेजी के साथ 1 रन बटोरेंगे इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। लगातार फील्ड में तब्दीली करते हुए लेफ्ट बल्लेबाज के लिए ऑन साइड के क्षेत्र में 4 फील्डर खड़ा कर दिया है। तीन ही फील्डर है माफ करना ऑफ साइड के क्षेत्र में डीप स्वीप पर कवर और लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर मिड विकेट के फील्डर से गलती हुई जहां पर रन नहीं था वहां पर रन दे दिया। आप 70 रन डिफेंड कर रहे हैं तो आपको कम से कम ऐसे रन को रोकना जरूरी है ऐसी गलती करेंगे तो बख्शेंगे नहीं बल्लेबाज क्योंकि अब जाके स्ट्राइक मिली है जयदीप को और छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को अगर स्ट्राइक मिलती है तो खराब गेंद के ऊपर प्रहार करके छक्का लगा सकते हैं। सीटा है मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात है स्क्वेयर लेग के ऊपर माफ करना तेजी के साथ 1 रन बटोरा इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 28 रन के ऊपर। चौथा ओवर जारी है 28 रन बन चुके हैं भूपिन हल्के हाथों से खेला 1 रन स्कोर जा पहुंचा है 29 रन ओवर की बची कुची गेंदे ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है
33 रन रिक्वायर्ड रन रेट से 2 रन पीछे चल रही है, क्योंकि 4 ओवर में 35 रन होते तो अगली 4 में 35, कुल मिलाकर 33 रन बने हैं। अब 9.25 की रिक्वायर्ड रन रेट, 37 रन चाहिए, विकेट अभी तक नहीं गिरी है। हमारे नन्हे मुन्ने रोनी चौबीस गेंदों का खेल बाकी, गेंदबाजी के ऊपर बुलाया है कप्तान ने चेतन, कल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, हाथ में हल्की सी चोट लगी है उनको कंधे में, 11 नंबर टी शर्ट सामने है भूपिन, जयदीप बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अरे वाले से घसीटा है, डीप में फील्डर तैनात है, तेजी के साथ ऊपर आए थे, कैचिंग करवाने का प्रयास कर रहे थे, रन की चेष्टा कर रहे थे जहां पर नहीं था, और एक रन पूरा कर लिया। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन के ऊपर, 23 गेंदे 36 रन, विकेट नहीं गिरी है, विकेट की जो कॉलम है अभी भी खाली है। हल्के हाथों से लेग साइड के ऊपर गेंद डाली, स्टंप में लगी लेकिन बेल्स नहीं गिरा, डॉट गेंद, शायद फेविकल चिपका कर आई है। दूसरी गेंद डॉट डाली चेतन ने, चले सामने जयदीप, स्टेरगर के ऑफसाइड के ऊपर चले, ऑनसाइड के क्षेत्र में तेजी के साथ खेला, गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इक्कीस गेंदे 32 रन, 11 का फासला गेनर रन का, पांचवा ओवर चलता हुआ, टॉपेज लगा हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे गलती नहीं की, सेट बल्लेबाज जयदीप को आउट करके वापस पेविलियन भेजा है। अभी भी रुका हुआ स्कोर 38 रन, दो गेंदे अभी भी बाकी है ओवर की, 20 गेंदों में 32 रन चाहिए, और दोनों टीमों को जीतना जरूरी, जो हारेगा करीबन करीबन रेस से बाहर होने के तरफ धकेला जाएगा, क्योंकि 6 टीमें हैं, 4 टीमें क्वालिफाई होगी तो रेस बहुत लंबी रहेगी। चेतन सफलता अर्जित कर चुके हैं, हवा में गेंद है, पीछे फील्डर तैनात है, और दूसरी गेंद के ऊपर दूसरी सफलता अर्जित करते हुए दोनों प्रारंभिक जोड़ी को वापस पेविलियन भेजा है। मैच में वापसी करते हुए अक्षित लायंस, यहां से रोमांस बढ़ेगा, कप्तान अभी भी आए हैं, अब नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर जय जय और कप्तान दोनों को खेलना होगा। अब रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर का, सिंगल रोकने का प्रयास है, आखिरी गेंद है,
कैचिंग पोजीशन के लिए दो फील्डर को ऊपर बुलाया है, सिलीमिडॉन। ओवर की आखिरी गेंद हैट्रिक के ऊपर है और ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन, इस ओवर में 5 रन आए, एक चौका जरूर लगा, लेकिन दोनों प्रारंभिक जोड़ी को वापस पेवेलियन भेजा। कप्तान खेलेंगे 6ठा ओवर, गेंदबाज पीएस अपने कोटे का पहला ओवर पारी का 6ठा ओवर डालेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। 18 गेंदे 32 रन, तीन 10.660 की रिक्वायर्ड रन रेट। सामने कप्तान केयूर, गेंदबाज पीयूष ऑफ स्टंप के बाहर, 9 बॉल का शायद नॉबल है। कल नॉबल दिया था तो बीच से बाहर डालेंगे, नॉबल मिलेगा, फ्रेट मिलेगी बल्लेबाज को। स्कोर जा पहुंचा है 39 रन के ऊपर। बहुत ही अच्छी गेंद डाली लेकिन बाय के रूप में एक रन मिला। स्कोर जा पहुंचा है 40 के ऊपर। 17 गेंदे अभी भी बाकी है, 30 रन चाहिए, 17 गेंदे 30 रन। अब सिंगल रोकने के प्रयास में फील्डर को आगे बुलाया है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर व्हाइट का इशारा हुआ, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। रोमांस बढ़ता हुआ, 17 गेंदे 41 रन चाहिए। ऑन साइड के क्षेत्र में 3 फील्डर अभी भी बाउंड लाइन के ऊपर और ऑफ साइड के क्षेत्र में 2 फील्डर बाउंड लाइन के ऊपर। पॉइंट के ऊपर से खेला, छोटी सीमा रेखा 2 रन। स्कोर जा पहुंचा है 43। 6ठा ओवर जारी है, 43 रन बन चुके हैं। थोड़ा मुश्किल जरूर है, यहां से सिंगल रोकना होगा, एक्स्ट्रा रन नहीं देना है अगर जीतना है तो। लेकिन दोनों टीमें, एलआईसी वॉरियर्स के कप्तान अभी भी पिच के ऊपर है, जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, जीतना जरूरी है इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। पॉइंट के क्षेत्र में, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला, गेंद जा रही है छोटी सीमा रेखा की ओर। पीछे फील्डर बैठे हैं, उनको पूछ ले अगर थोड़ी सी दिक्कत हो तो। 1 रन, एक रन स्कोर जा पहुंचा है 44, 44 रन। एक रन 45 रन, अभी भी 25 रन चाहिए, 45 रन बन चुके हैं। ऑन साइड के क्षेत्र में खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर तैनात है, एक टप्पा गेंद को फील करके जहां तक थ्रो दिया जाए, तेजी के साथ 1 रन बटोरा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। दोनों बल्लेबाज ने टी शर्ट पे 17 नंबर लगाए हैं लेकिन वो काम अभी तक दिखा नहीं एबी डिविलियर्स द्वारा। ओवर की समाप्ति हुई, 6 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 46 रन। 24 रन चाहिए, 12 गेंदे 24 रन।
बारह गेंदे 24 रन, 12 के रिक्वायर्ड रन। गेंदबाज चेतन, पहली गेंद छोटी सी मारेगा 1 रन। 11 गेंदे 23 रन चाहिए, रोमांस बढ़ता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाती हुई। दोनों खेमे खामोश है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही विकेट गिरी है, संभल कर खेल रहे हैं कप्तान, जानते हैं जरूरत है। जड़ में डाला ऑन साइड के क्षेत्र में, सिंगल मिलेगा, सिंगल से कोई दिक्कत नहीं है। जितनी देर तक कीर को नॉन स्ट्राइक पर रखेंगे वो खामोश रहेंगे, रखने में कामयाब होंगे। जब तक कीर स्ट्राइक पर रहेंगे धड़कने तेज होती रहेगी। कप्तान है, जानते हैं बड़ी बड़ा मुकाबला है, जीतना जरूरी है। 2 गेंदे 2 रन, चेतन अपना काम कर रहे हैं। तीसरी गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में, फील्डर है, कैच आउट का खतरा हो सकता है, विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन। चेतन अपने कोठे में तीसरा विकेट अर्जित करते हुए, तीसरा ओवर डालते हुए अब कुल मिलाकर 9 गेंदों में 22 रन चाहिए। और गेंद बल्लेबाजी के ऊपर नहीं, बल्लेबाज के रूप में उनका स्थान लेने के लिए बीच मैदान के ऊपर तरंग फिनिशर, तरंग फिनिशर के नाम से जाने जाते हैं। सोनवाड़ा के गांव में बड़ा दबदबा है, रनिंग बहुत ही अच्छी है उनकी और बल्लेबाजी भी बहुत ही अच्छी करते हैं। 5वें नंबर के ऊपर बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं 10 नंबर तेंदुलकर वाला। रिवर्स स्वीप का प्रयास, गेंद बल्ले पर आई, स्वीपर कवर को बीट गया, गेंद गई सीमा रेखा पर, 6 रन पर जा पहुंचा है। 54 54 रन, 16 रन चाहिए। आठ गेंदे 16 रन, कप्तान जहां तक क्रीज के ऊपर है दबदबा रहेगा। वापस निवासी बाबा में गेंद सी ऊपर कवर बाउंड लाइन के ऊपर, और गलती नहीं की, कप्तान को पेवेलियन भेजा चेतन ने। गेंदबाजी दिखाते हुए एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया। अब जाके नहीं बल्लेबाज दोनों आएंगे, यहां से जीतना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। 7 गेंदे 16 रन, रोमांस बढ़ता हुआ, चेतन 4 विकेट ले चुके हैं। नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर नॉन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे केविन, तरंग स्ट्राइक लेंगे। 7 गेंदे 16 रन, 4 सफलता अर्जित कर चुके हैं। कोटे की आखिरी गेंद, बैकफुट पंच किया, गेंद गई पॉइंट को कवर के बीच में से, गेंद जा रही बाउंड लाइन की ओर, और चौका। बारह रन चाहिए, 12 रन आ चुके हैं, 6 गेंदे 12 रन, 6 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं, 6 गेंदों में 12 रन चाहिए। कौन से गेंदबाज को बुलाए, क्योंकि ये रोमांच वाला मैच है। पिछला मैच भी बहुत ही अच्छा बना था, लो स्कोरिंग मैच था लेकिन विकेट गिर चुकी थी 8, यहां पर विकेट 4 गिरी है लेकिन 6 गेंदे 12 रन। दबाव बल्लेबाज के ऊपर पहली 2 गेंद के ऊपर रहेगा, अगर पहली गेंद के ऊपर छक्का या चौका मिलेगा तो गेंदबाज के ऊपर दबाव आ सकता है। यहां से जड़ वाली गेंदें चाहिए स्ट्राइक के ऊपर। बल्लेबाज केविन, 1 चौका लगाकर तरंग नॉन स्ट्राइक के ऊपर है, पीयूष को बुलाया है। पीयूष ने पहले ओवर में 5 रन दिए थे, एक नॉबल यानी कि 6 रन। सात रन दिए थे पहले ओवर में, यहां पर 6 गेंदे 12 रन। बल्लेबाज केविन जड़ में डाला ऑन साइड के क्षेत्र में, आड़े बल्ले से घसीटा है तेजी के साथ, एक बटर दूसरे के नामुमकिन प्रयास जी के लिए मनाया गया साथी बल्लेबाज तरंग ने।
तरंग छोड़ेगा के है, लेकिन एक चौका बटोर चुकी है। इनसाइड आउट केन विलियमसन वाला शॉट खेला था, कवर के ऊपर से चौका बटोरा था। 5 गेंदे 11 रन, यहां से गलती की कोई गुंजाइश नहीं। एक दौड़ गेंद पेसर बल्लेबाज के ऊपर, एक चौका पेसर गेंदबाज के ऊपर। यहां पर फील्ड में तब्दीली करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑफ साइड पूरी दीवार खड़ी कर दी है। पॉइंट एक्स्ट्रा कवर, स्वीपर कवर, शॉट सिक्योर कर और कवर, चार फील्डर है ऑन साइड के क्षेत्र में, चार फील्डर बाउंड लाइन के ऊपर। ऑफ साइड के क्षेत्र में सिर्फ एक फील्डर लॉन्ग ऑफ के ऊपर। चले सामने तरंग 400 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए, आड़े बल्ले से घसीटा है डीप में, फील्डर तैनात है, गलती नहीं की, विकेट का पतन होता हुआ। 4 गेंदे 11 रन। मिस्टर फिनिशर आउट होके वापस पेवेलियन जाते हुए, अभी भी मैच बन सकता है, एक छक्का चाहिए। अब पेसर बल्लेबाज के ऊपर केविन, 1 गेंदों में 1 रन, 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदे 11 रन। कंपलसरी चेस है, अगर टाई होगी तो भी हार जाएंगे, कंपलसरी चेस। 4 गेंदे 11 रन, रोमांस बढ़ता हुआ पिछली मैच के मुताबिक। यहां से गलती की कोई गुंजाइश नहीं, जीतना जरूरी है टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। पीयूष चले ऑफ साइड के ऊपर, व्हाइट रेखा के ऊपर गेंदबाजी का प्रयास, तेजी के साथ 1 रन बटोरा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 60, 10 रन चाहिए, 3 गेंदे 10 रन। इस गेंद के ऊपर छक्का आना चाहिए, मैच में बना रहना है तो कम से कम छक्का चाहिए। बल्लेबाज विजेंद्र, हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे, एक कैच ले चुके हैं और दूसरा कैच इस ओवर का। दो गेंदे बाकी है, 10 रन चाहिए, एक चौका एक छक्का कंपलसरी चेस है। नए बल्लेबाज के रूप में ध्रुव नॉन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, उनको तो खड़ा ही रहना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले बल्लेबाज को केविन। अरे बल्ले से सीधा खेला, मैच अपनी पकड़ में ले लिया, कोई अतिरिक्त गेंद नहीं डालेंगे, अभी भी मैच कोई अतिरिक्त गेंद नहीं डालेंगे। व्हाइट नौ बॉल नहीं डालेंगे तो जीत जाएंगे। 1 गेंद 9 रन, सीधा डालना है स्टंप के पास, छक्का लगेगा कोई दिक्कत नहीं।